ये लेके पांचवी चप्पल है मेरे घर पे पहनने के लिए, जो मैं घर पे पहनती हूँ। अभी ये जस्ट डिलीवर हुआ है 3 दिन पहले, चिंकी ने ऑर्डर किया था। और मतलब चप्पल के बिना एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए भोला कितना लगता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस वक्त पलंग के नीचे घुस चुका है। चप्पल हो, दुपट्टा हो, या गले की चेन हो, कुछ भी हो, सारा कुछ तोड़ ताड़ के सब एक कर दिया है इसने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और कल का व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था, बस वहीं से मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी शाम नहीं बोल सकते हैं, रात ही हो रही है। और जैसे कि सारे घर में कुछ ना कुछ कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, बस वही कपड़े मैं मैनेज कर रही थी। और फाइनली अब मेरा टाइम आ गया है रेस्ट करने का। अभी हो गई है रात हो रही है, 10:15 का टाइम हो रहा है। और बस कल जो ब्लॉग पोस्ट करूंगी उसका थोड़ा काम भी कर रही थी, रात को ही एडिटिंग भी करती हूँ, फिर कुछ शूट भी करती हूँ सुबह दोपहर में, फिर उसकी भी एडिटिंग उसी के साथ करती हूँ, तो बहुत काम रहता है। और सबका खाना पीना भी हो गया है, जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में 2 दिन पहले वाले जो ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में आया कि मैम दीदी आप यहाँ से कपड़े नहीं उठाते हो, इतने कपड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ कम से कम 18 से 20 पीस स्वेटर, स्वेटशर्ट्स और जैकेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक मेरा ये सूटकेस से निकल गया है। और ये सारा सब कुछ मेरी बेटी ने निकाला है, क्योंकि हम लोगों के घर में सबसे ज्यादा ठंड उसी को लगती है। और ठंड हल्की हल्की एकदम ठंडी आ गई है, जैसे भोर में हल्की सी ठंड लगती है। अभी हम एसी नहीं चलाते रात में अभी तो। ये इतने सारे हमारे घर में हर साल इस पॉफी के ऊपर स्वेटर और जैकेट्स का तांता लगता है, जिसमें से 100 में से 95% आंचल के ही होते हैं। और ये जो है देखिए, घर परिवार है तो सामान इधर उधर भी होता है और एवरी डे ठीक करना पड़ता है। घर एक ऐसा होता है सबका कि रोज ही हल्का फुल्का बिखरता है, रोज संवारना पड़ता है, नहीं करो तो नहीं चलता है। और इस टेबल पर ये नाइटी अभी रखी है, ये मैं अभी चेंज करने जाऊंगी। और बेटा ये तेरे कपड़े रखे हैं, ठीक है, तेरा क्लास हो जाएगा तो उठा के रखना। हाँ। और ये मेरी साड़ी है, कल मैं जाऊंगी बैकुंठनाथ मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर और लक्ष्मी माँ के मंदिर। कल बृहस्पतिवार है, अपनी मम्मी के साथ अक्सर जाती हूँ, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, तो ये पहले ही निकाल ली है, क्योंकि 4:45 बजे उठूंगी, फिर लाइट जला के अलमारी खोल के कपड़े निकालते हैं, तो जो सोते रहते सबको डिस्टर्ब होता है, तो एक दिन पहले यहाँ साड़ी निकाल के रख दी, कल साड़ी पहनूंगी। ये आंचल का जिम का बैग है, ये वैक्स की मशीन है, ये भाप लेने वाली मशीन है, तो ऐसे काफी सामान रहते हैं। और स्वेटर शॉल वगैरह जो इतने रहते हैं तो वो कौन अलमारियों में रखता है, सूटकेस में रख के और जो कैम्फर की जो गोली आती है कपूर की उसको डाल के रख देते हैं, फिर ठंड आती है निकाल के और धो के और धूप लगा के फिर पहन लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो बस इसका मैंने रिप्लाई दे दिया, आप मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए रात बहुत हो गई है और मैं भी अब थोड़ा आराम करूंगी, और रात में मुझे थोड़ी एडिटिंग का भी काम करना है, मिलूंगी आपसे सुबह। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज। अभी तकरीबन बज रहे हैं 4:55 कुछ ऐसे हो रहे हैं। और मैंने आपको पिछली रात को बताया था कि मैं जाऊंगी मम्मी के साथ बैकुंठनाथ मंदिर, एंड महालक्ष्मी मंदिर भी थोड़ी 2-5 मिनट की वॉकिंग पर ही है, तो दोनों मंदिर ही हम लोग साथ में जाते हैं। तो बस अब थोड़ा यहाँ पर ज़रा खड़ी हुई थी, क्योंकि सो के उठ के साथ नहाने से तो थोड़े ठंड लग जाती है, बीमार भी पड़ जाते हैं, और आजकल थोड़ा मौसम भी ज़रा चेंज हो गया है, और भोर जैसे रहती है तो उसमें हल्की हल्की एक ठंडापन है हवा में, तो थोड़ा रुक कर ही थोड़ा गई थी नहाने के लिए। और यहाँ नहा के आज मैंने पहन ली है साड़ी, और साड़ी पहनने का मेन पर्पस ये है कि बैकुंठनाथ मंदिर में बिना साड़ी पहने जो गर्भगृह है वहाँ अंदर घुस के दर्शन करने नहीं देते हैं, तो सूट पहनकर ही मैं जाती हूँ। बट बैकुंठनाथ मंदिर जब भी जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ, वरना वहाँ पर एक नियम है कि लेडी जो है वो साड़ी पहनकर ही आए, और जो जेंट्स हैं वो जो धोती होती है लुंगी और कुर्ता वो पहन के आए तो ही भगवान के गर्भगृह में घुसने देते हैं, अदरवाइज़ फिर चौखट पर ही खड़ा रखते हैं, वहीं से आपको दर्शन करना पड़ेगा।
तो मेरे घर से मंदिर काफ़ी दूर भी है, और फिर इतनी दूर जाओ और फिर बाहर ही खड़े रहो, दर्शन अंदर जाके ना करो तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस रेडी हो गई थी मैं। पहले करो वाला डिवॉर्मिंग, बाद में करो तो अच्छी। नीचे ताला लगा हुआ है क्या कि खुला हुआ है? डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग उसका अंदर। अरे डॉक्टर से बात करो, ऐसे अजीब वाला बात नहीं है। वैक्सीन करने के लिए नीचे ताला है कि गेट खुला हुआ? उसका नहीं, डिवॉर्मिंग होने के नेक्स्ट डे भी वैक्सीनेशन हुआ है बहुत बार। चाबी दो जरा ताले की। मैं इस टाइम पे गेट खुला रहता है। अब नहीं खुला रहता। जाओ मम्मी को लेकर जाओ तो बैकुंठनाथ मंदिर जाओ। और ये हम पहुंच गए हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर। ये कोलकाता का बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ दीपावली में 1 से 1.5 किलोमीटर की इतनी लंबी लाइन लगती है सिर्फ दर्शन करने के लिए। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, मैं पहले भी कई बार यहाँ पर आके मैंने शूटिंग की है एंड ब्लॉग पोस्ट किया है, आपको दर्शन कराए हैं। तो यहाँ एक चांदी के शिवलिंग भी हैं, वहाँ पर जल भी चढ़ाया जाता है, तो वही मैं जल चढ़ा रही हूँ, मम्मी ने भी जल चढ़ाया। और फिर यहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधे बैकुंठनाथ मंदिर चले गए। तो 2 से 5 मिनट की वॉकिंग है, और हम लोग तो ऑटो से ही जाते हैं, और जब हम यहाँ आए थे तो आरती ही हो रही थी। तो माँ के आप दर्शन कर लीजिए, ये है माता रानी का आज का श्रृंगार, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। ये अब हम लोग आ गए हैं बैकुंठनाथ मंदिर। श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है, यहाँ लक्ष्मी माता का भी मंदिर है अंदर। तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ। पहले तो हम लोग एकदम कंटिन्यू आ रहे थे, फिर फेस्टिवल आ गए, फिर बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो आ नहीं पाए थे। और यहाँ सब जितनी भी लेडी हैं, जेंट्स, जो भी जिनको भी मन होता है वो बैठ के भजन कीर्तन करते रहते हैं काफ़ी देर, और आप दर्शन कर लीजिए विष्णु भगवान के। तो ये है बैकुंठनाथ मंदिर कोलकाता का, जो कि कोलकाता के गणेश टॉकीज में पड़ता है। और बस यहाँ पर दर्शन करके और निकल के जा रहे हैं। और ये हमारी मम्मी जो गरीब हैं उनको वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, केला वगैरह, तो फल और पैसा कुछ बांटती हैं जब भी जाती हैं, तो बस वही कर रही थी। और हम लोग अपने घर के मंदिर के लिए भी गुथी हुई तुलसी की माला जो आपने स्टार्टिंग में देखी, तो वो हम लोग लेकर जाते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऐसी माला मिलती नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि 2 दिन पहले या 1 रात पहले आप बोलो तो हम इसको बना के रखेंगे, और वहाँ इजीली मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है। जस्ट 15 से 20 रुपए में इतनी सुंदर गुथी हुई माला वो लोग देते हैं। और ये मंदिर के लिए लेकर आती हूँ बृहस्पतिवार, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं माला पहना देती हूँ कमल और गुलाब के साथ। और बस यहाँ मंदिर में माला पहनाने के बाद यहाँ बनाने लगी हूँ चाय, और चिंकी को तो सर्दी हो ही गई थी, चिंकी से आंचल को भी हो गई, वो ही है सर्दी जुखाम बुखार आजकल ऐसा ही चल रहा है। और डर लगा रहता है कि डेंगू आजकल इतना फैला हुआ है कि मतलब हर एक दूसरे घर में सुनाई दे रहा है कि किसी को डेंगू हो गया है, डेंगू हो गया है। तो फिर दोनों का बुखार भी सुबह चेक किया, तो ईश्वर की कृपा से बुखार बुखार तो कुछ भी नहीं था, मगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है दोनों को, तो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो यहाँ चाय में थोड़ी सी काली मिर्च अदरक वगैरह डाल के मैंने चाय बनाई है, और ये पॉपकॉर्न बनाया है चिंकी ने सुबह सुबह। सुबह सुबह पॉपकॉर्न चिंकी ने बनाए। टमेटो पॉपकॉर्न, टमेटो पॉपकॉर्न। और यहाँ सारा काम हो ही गया था, बस लंच बनाना बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ही बनाऊँगी, बहुत टाइम है अभी। और मैं तो मतलब 7:40 हुए होंगे, 7:45 भी ठीक से नहीं हुए थे, हम घर वापस आ गए थे क्योंकि निकले बहुत जल्दी थे, और सुबह रोड पूरा खाली रहता है, फांका रहता है, तो जल्दी गए और जल्दी दर्शन करके आ गए। और यहाँ बिस्तर पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तो फिर आई यहाँ पर बिस्तर वगैरह पूरा क्लीन किया है, एंड दोनों ही बच्चे थोड़े ढीले ढीले हैं सर्दी खांसी की वजह से,
तो यहाँ पे चिंकी ने जो पॉपकॉर्न बनाया था तो आंचल ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, तो उसने अपने लिए बनाया था। और यहाँ पर बच्चों ने बोला कि चाय आप भी अपनी ले आओ, तो आंचल ले गई है अपनी चाय बिस्किट हॉल में, वहाँ एस्ट्रो है वहीं बैठ के खाएगी। और यहाँ मैं और चिंकी बैठ गए थे, तो चाय बिस्किट पॉपकॉर्न वगैरह ये लोग ने, मैं तो चाय ही पी रही थी। फिर एक घंटे के बाद करीब मैंने ब्रेकफास्ट किया था दवा वगैरह लेकर, तो बस यहाँ पे थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी सुबह से उठे हुए थे। और यहाँ मैं हंस रही हूँ इसलिए कि हाँ, कोई भी बैठा रहे चाहे लेटा रहे, एस्ट्रो मुँह पर भी चढ़ के चला जाता है, तो वहीं मैं हंस रही हूँ। वो बोल रहा है चिंकी कि अरे क्या आदमी है, मेरे पूरे ऊपर से ही चढ़ के निकल गया। तो बस वहाँ चाय पी के और यहाँ आ गई हूँ किचन में। और ये चटनी की रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ और आज फिर से दे रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च डाली है, 2 बड़े टमाटर, 1/2 टीस्पून जीरा और नमक स्वाद के अनुसार नमक, 1 नींबू का रस और धनिया डाला है, और मैंने 4 कली लहसुन की डाली है इसमें। तो ये चटनी काफ़ी अच्छी बनती है, इसमें चाहें तो आप पीनट जो होता है मूंगफली के दाने, कुछ दाने वो भी डाल सकते हैं, मैंने आज डाला नहीं है। तो यहाँ चटनी मैंने पीस ली थी और उसके बाद यहाँ सारी वेजिटेबल्स वगैरह काटने के लिए आई थी, वो कट भी कर लिए मैंने। फिर चिंकी ने बोला कि थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि बहुत सुबह वो चाय और पॉपकॉर्न लिया था और अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, तो रात में भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। तो आलू गोभी कल की रखी हुई थी और कल की ही रोटी भी उसके हिस्से की सारी रखी, इन लोगों ने खाई नहीं थी, तो वही गर्म करके उसको दी मैंने, 2 रोटी उसने खाई। और यहाँ ये सब कुछ कट करके रख लिया है और गोविंद भोग चावल मैंने लिए हैं। और यहाँ कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है, आप जो तेल डालते हैं डाल सकते हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 सिनेमन का स्टिक और कुछ काली मिर्च मैंने डाली, अगर आपके पास हरी इलायची हो तो 2 वो भी डाल लीजिएगा। 2 बड़ी प्याज मैंने काट के डाली है, प्याज हल्की सी लाल हो गई तो टमाटर डाले हैं, टमाटर को भी थोड़ा सा भुनने के बाद में, ये सारी ही सब्जियां, हरी मिर्ची भी इसी में मैंने इंक्लूड कर दी है, तो ये सब डाल दिए मैंने। बीन्स, गाजर, मटर, आलू और सोयाबीन डाला था, और आप चाहें तो आलू को स्किप करके या उसके साथ या पनीर भी डाल सकते हैं लास्ट में जब कुकर बंद करें। तो यहाँ सब्जियाँ भून ली हैं सारी ही डाल के, और बाद में सोयाबीन भी डाल के भून लिया था। फिर चावल मैंने धो के ही रखे थे, अब इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 2.5 मिनट। फिर 1 चम्मच देसी घी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड बस हिसाब से पानी डाल देंगे, जितने चावल हैं उससे 1 इंच ऊपर पानी रखेंगे और कुकर बंद करके 2 सीटी ले लेंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर 1 नींबू भी डाला है, इससे चावल खिले खिले और काफ़ी स्वाद अच्छा हो जाता है पुलाव का। तो यहाँ कुकर बंद करके 2 सीटी ले लेंगे और कुकर की सीटी रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने खोला है कुकर और एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल जैसे गीले चावल हो जाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं। और ये तेज़पत्ता मैंने निकाल दिया है और ये देखिए मैं आपको चला के अभी दिखाऊंगी पुलाव, देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल खिला खिला बना है। और मैंने डाल दिया है, गार्निश कर दिया है हरी धनिया के साथ। करने लगी हूँ प्लेटिंग, और चिंकी को पहले ही खाना दे दिया था क्योंकि उसको मेडिसिन देनी थी सर्दी की, खानी तो दवाई आंचल को भी है बट वो अभी सो के उठी है और थोड़ी देर में खाना खाएगी, तो ये खाना मैं अपने लिए ही परोस रही हूँ। तो ये है मेरी आज की थाली, पुलाव विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड सोयाबीन, चावल के फ्राई पापड़ और हरी धनिया की चटनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको थाली और रेसिपी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।